अटैक ऑन टाइटन, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनीमे है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। मैंने तो नहीं देखा लेकिन तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। और इसके अंदर के जो टाइटन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त और ख़तरनाक है। लेकिन इस वीडियो में हम उन टाइटन्स के बारे में बात नहीं करने वाले, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइटन के बारे में, शैडो फाइट 2 के टाइटन के बारे में, जो कि मेन एंटागोनिस्ट है शैडो फाइट 2 का और कॉन्करर है वर्ल्ड्स का, जिसने बहुत सारे वर्ल्ड्स को कॉन्कर किया है। एंड जस्ट लाइक थैनोस एंड डार्क साइड, ये एक इंटरगैलेक्टिक कॉन्करर है जो कि अलग अलग गैलेक्सीज के अलग अलग प्लैनेट्स पे जाकर अपनी चोट दिखाता है। और इस वीडियो में हम इसी के ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि कौन है ये, कहाँ से आया है ये। सो टाइटन एक एलियन है जो कि एक ऐसी रेस को बिलोंग करता है जिसे कहा जाता है टाइटन रेस, और टाइटन एक टाइटन है जिसका नाम है टाइटन। सो टाइटन जिस प्लैनेट पर रहा करता था उसका नाम मुझे नहीं पता, गेम डेवलपर्स को भी नहीं पता और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो उस प्लैनेट पर वो रहा करता था जिसमें उसके जैसे बहुत सारे बींग्स थे। तो उसने क्या किया, उसने एक एबिलिटी को मास्टर करने की कोशिश करी जिसको कहा जाता है माइंड कंट्रोलिंग, जिससे वो लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। सो एक बार हुआ ये था कि टाइटन के प्लैनेट पर दूसरे एलियंस ने हमला कर दिया था और टाइटन के प्लैनेट के सारे लोगों को मार दिया था, लेकिन टाइटन किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हुआ। जिसके बाद टाइटन अलग अलग प्लैनेट्स पर जाने लगा और इस बीच उसने अपनी एबिलिटी पर महारत हासिल कर ली जिसको कहा जाता है माइंड कंट्रोलिंग, जिसके मदद से वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता था। अब क्योंकि टाइटन किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता था, इस वजह से वो जिस प्लैनेट पर था उसने उस प्लैनेट के सारे लोगों का माइंड कंट्रोल कर लिया और उन लोगों से अपनी आर्मी बना ली। लेकिन टाइटन चाचा सिर्फ यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने ऐसे और सैकड़ों प्लैनेट्स को कॉन्कर कर लिया। इनका मेथड सिंपल सा है, ये जिस भी वर्ल्ड को इन्वेड करते हैं अपने माइंड कंट्रोल क्रिएचर्स की आर्मी के साथ, जिनको उन्होंने शामिल किया है प्रीवियस जीते हुए वर्ल्ड से, फिर उसके बाद वो जिस भी वर्ल्ड को डिफीट करते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों को वो अपनी आर्मी में शामिल कर लेते हैं उनके माइंड को कंट्रोल करके, और फिर वो निकल पड़ते हैं दूसरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए। और इनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, किसी भी वर्ल्ड को इन्वेड करो, उनके लोगों की चीजों को अपना बना लो और उन लोगों को भी अपना बना लो उनको अपनी आर्मी में शामिल करके। लेकिन इनके बिजनेस पे ताला लग गया जब ये आए शैडो वर्ल्ड में, क्योंकि शैडो वर्ल्ड के अंदर के जो नेचुरल लोग थे जो यहाँ पे सदियों से रहते आ रहे थे प्राचीन समय से, यानी कि एंशियंट रेस के लोग, उनका माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि टाइटन उनके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया। और टाइटन ने जब ये रियलाइज किया कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसने सोचा नो, मैं किसी के भी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ, सबको फ्री कर देता हूँ उनकी जिंदगी से। जिसके बाद टाइटन ने आदेश दिया अपने आर्मी को कि सबको फ्री कर दो उनकी जिंदगी से, मार दो सबको। जिसके बाद टाइटन के माइंड कंट्रोल क्रिएचर्स की आर्मी ने एंशियंट रेस के लगभग सारे लोगों को मार दिया, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, लेकिन केवल एक ही एंशियंट रेस का बंदा बच पाया जिसका नाम ही एंशियंट है। इसके बाद टाइटन ने सोचा कि क्यों ना ह्यूमंस को अपना गुलाम बनाया जाए और ह्यूमन वर्ल्ड पर राज किया जाए, जिस वजह से उसने क्रिएट करा गेट्स ऑफ शेडोज को एज अ पोर्टल टू ह्यूमन वर्ल्ड। हाउएवर क्योंकि उसने एंशियंट रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस वजह से उसकी आर्मी में उतने ज्यादा मेंबर्स नहीं है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड को कॉन्कर कर पाए, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में अभी भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, और ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स में से 6 वॉरियर्स को ऑलरेडी टाइटन अपना गुलाम बना चुका है। पहले वो उनको गेट्स ऑफ शेडोज की तरफ बुलाता है और उनको ट्रैप कर देता है गेट्स में और उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है डीमंस में। ये सारे डीमंस टाइटन की कठपुतलियां है जिनको वो यूज करता है ह्यूमन वर्ल्ड को एनस्लेव करने के लिए। और ये 6 डीमंस और कोई नहीं बल्कि है लिंक्स, हर्मिट, बुचर, वैप्स, विडो और शोगन। और टाइटन खुद गेट्स के बाहर नहीं आ सकता, और इसको ओवरकम करने के लिए उसे एक ऐसे पर्सन की जरूरत होगी जिसकी विल इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि शैडो एनर्जी उसके माइंड को कंट्रोल ना कर पाए। ये आदमी फिर आगे जाकर एक ऐसी एबिलिटी गेन करेगा जिससे वो वर्ल्ड्स के बीच में वॉक कर पाएगा, और टाइटन को इसी की जरूरत है और वो इसकी पावर को खुद के लिए यूज करेगा। और टाइटन के द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद केवल एक ही वॉरियर सर्वाइव कर पाया गेट्स ऑफ शेडोज के मोस्ट पावरफुल शेडो एनर्जी के इमिशन को। इसके साथ साथ वो अपनी माइंड और विल को भी कंट्रोल कर पाया और शेडो एनर्जी उसके माइंड और विल को कंट्रोल नहीं कर पाई, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि है शेडो। और इसके बाद से शुरू होती है शैडो फाइट 2 की स्टोरी। और अगर आपने शैडो फाइट 2 खेली होगी तो आपको ये सीन तो जरूर याद ही होगा जिसमें हमें बताया जाता है कि शेडो एक बहुत ज्यादा खतरनाक वॉरियर था और उसके बराबरी का कोई था ही नहीं जो उसको टक्कर दे सके। इस वजह से अपने आप को मारने के लिए, अकेलो मार खाने के लिए, कॉम्पिटिटर ढूंढने के लिए वो चला गया गेट्स ऑफ शेडोज में। उसको लगा कि कोई उसके कॉम्पिटिशन का मिलेगा उसे,
ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि इसके बाद से शैडो फाइट 2 की स्टोरी शुरू होती है। मैं तो कहानी में बहुत बहुत आगे टाइटन जो है वो मे के माइंड को कंट्रोल कर लेता है और उसे अपना सर्वेंट बना लेता है और उसे नाम देता है जस्टिस। और जैसे टाइटन ने पूरा प्लान किया होता है, शैडो अपनी दिल की बात सुनता है और मे को बचाने के लिए गेट्स ऑफ शैडोज को रीओपन करता है। लेकिन शैडो एनर्जी की प्रोटेक्शन की वजह से शैडो जिंदा आ पाता है गेट्स ऑफ शैडो से शैडो वर्ल्ड में, जिसके बाद टाइटन ऑर्डर करता है श्राउड को, जो कि उसका वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है, शैडो को लाने के लिए। लेकिन काली के बीच में आने की वजह से शैडो बच जाता है, जिसके बाद टाइटन भेजता है जस्टिस को यानी कि मे को शैडो को लाने के लिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि साइफर इस बार आके शैडो को बचा लेता है। जिसके बाद शैडो टाइटन के सोल्जर का भेस बदल के चला जाता है टाइटन के बेस पर, लेकिन वहां के स्कैवेंजर्स पहचान जाते हैं शैडो को क्योंकि शैडो की बॉडी से शैडो एनर्जी फ्लो हो रही होती है। और टाइटन को पता था कि शैडो जरूर आएगा, इस वजह से टाइटन जाता है शैडो के पास और उसको ग्रीट करता है और उसको एक्सप्लेन करता है कि शैडो ने उसके एक्सपेरिमेंट को सफल किया है। शैडो ने एबिलिटी को गेन कर लिया वर्ल्ड्स के बीच में वॉक करने की, और जैसा टाइटन ने प्लान किया था वो शैडो से उसकी इस एबिलिटी को लेना चाहता है। लेकिन उससे पहले टाइटन शैडो को उसके बॉडीगार्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि उसके प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे हैं। ये सब आए हैं पैरेलल यूनिवर्सेस से और ये बिल्कुल शैडो की तरह है, या ये कह लो कि ये पैरेलल यूनिवर्सेस के शैडोज ही है। और इन सब शैडोज ने भी कोशिश करी थी गेट्स ऑफ शैडोज को पार करने की, लेकिन अनलाइक हमारे शैडो की तरह वो गेट्स ऑफ शैडोज को पार नहीं कर पाए और टाइटन ने उनको अपना गुलाम बना लिया क्योंकि शैडो एनर्जी ने उन सबको करप्ट कर दिया था। टाइटन ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो दिखाना चाहता है शैडो को कि अगर शैडो एनर्जी ने उसको प्रोसेस कर लिया होता तो वो भी इन्हीं शैडोज की तरह बन गया होता, जो कि उसके पैरेलल यूनिवर्सेस के शैडो है। इसके बाद शैडो टाइटन के सारे बॉडीगार्ड्स को डिफीट कर देता है और शैडो की पावर को चेक करने के लिए टाइटन उसको मे से लड़वाता है और शैडो मे को भी डिफीट कर देता है। जिसके बाद शैडो की और टाइटन की फाइट होती है और शैडो टाइटन को भी डिफीट कर देता है, सिंपल। और इसी के साथ टाइटन का किस्सा खत्म होता है और ये वीडियो भी।